हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भी हमारा फास्ट वाला दिन है थर्सडे का, लेकिन आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए सीधा इवनिंग पे आ गए हम लोग। और आज उद्यापन है, 11th 11वां गुरुवार है, तो आज उद्यापन भी करेंगे। उसके लिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पूड़ियाँ, आलू दम और हलवा बनाऊंगी। तो आलू दम पूड़ी की रेसिपी आपने पिछले वीडियोस में मेरे देख ली है, इसलिए मैं वो आपको पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगी। और अभी आज हम लोग शेयर करेंगे आपसे सूजी के हलवे की रेसिपी। सूजी का हलवा में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मम्मी लोग ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना लेती हूँ, वो ट्राई करती हूँ आप लोगों के साथ। और ये देखिए आलू दम, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, आधा मंदिर में देंगे, प्रसाद के लिए चढ़ाएंगे, वहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये पूड़ियाँ भी आधा वहाँ पे दे देंगे, हलवा भी सब चीज़ वहाँ पे देंगे। वहाँ पे आरती के बाद सब प्रसाद में ये खा लेंगे और वहाँ पे ही बुक्स मैं दे दूँगी उद्यापन। और चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। घी डाल लिया है मैंने 1 कटोरी, और 2 कटोरी इसमें छोटी कटोरी से रवा डाला है, ये देखिए। और अभी इसको अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से इसको घी में भुनेंगे रवे को। और थोड़ा गीला गीला ही, आपको घी कम लगे तो घी डाल लीजिए, घी हलवे में घी थोड़ा लगता है, लेकिन अच्छा बनता है हलवा उसका, ये देखिए। धीरे 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 धीरे, अभी ये वाइट है, धीरे धीरे सूजी हमारा गोल्डन और फिर लाइट ब्राउन होने लगेगा। जब लाइट ब्राउन होगा तब हमको इसमें पानी और शुगर ये सब ऐड करना है। साइड में हमारी चाय भी पक रही है, और वो देखिए थोड़ी सी गिरने भी वाली हलवे के चक्कर में। अभी हलवे को अच्छे से चलाते रहेंगे, हलवा भी अभी काफ़ी ठीक ठाक बन जाता है मेरा। आप लोग देखिए और बताइए मुझे कमेंट में कि कैसा बना था। इसको अच्छे से अभी मिक्स करते रहना है, नहीं तो इसको छोड़ेंगे तो जल जाएगा। टोटल टाइम मुझे लगता है कि 8 से 9 मिनट तक इसको अच्छे से धीरे 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 भूनना पड़ा था मुझे, 8 से 9 मिनट लगता है। और ऐसे धीमी आँच पर, लो से थोड़ा मीडियम पर करके धीरे धीरे, देखिए अभी थोड़ा इसका कलर चेंज होने लग गया है। तब तक मीनवाइल मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं, और ये देखिए थोड़ा सा हलवे का कलर अभी ब्राउन गोल्डन टाइप का होने लगा है। और रवा एकदम देखिए हल्का हल्का लग रहा है अभी, देखिए उस रवे का वेट, वो अभी घी में एकदम नीचे बैठा हुआ नहीं है, घी में तैरने लग गया है, तो मतलब भून के उसका एकदम वेट हल्का हो गया है। और अब देखिए ये धीरे धीरे लाइट ब्राउन होने लगा है, इसको चलाते रहेंगे अच्छे से, और आंच धीमा ही रखेंगे नहीं तो जल जाएगा। ये देखिए अभी जितना हमने रवा लिया था उसका 3 गुना मैंने इसमें पानी डाला है। जितनी क्वांटिटी में आप रवा ले हमेशा उसका 3 गुना पानी ऐड करें। तो ये पानी ऐड कर दिया मैंने, और मैंने ब्राउन शुगर ही मेरे पास था तो मैंने वही डाला है, इसलिए थोड़ा सा कलर और इसका ब्राउन हो गया है हलवे का। आपके पास जो शुगर है वो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, और हलवे में देखिए गाढ़ापन आने लगा है, गाढ़ा हो गया हलवा हमारा। एकदम धीमी आंच पे धीरे धीरे इसको ऐसे ही भूनेंगे। वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है धीरे धीरे हलवा हमारा, ये देखिए। अभी हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट जो कट करके रखे थे थोड़ा डाल लेंगे, और थोड़ा सा बचा के रखेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, थोड़ा मैंने ऐड अभी कर दिया है कि अंदर तक हलवे के पूरा ड्राई फ्रूट पहुंच पाए। ये देखिए इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से, और थोड़े से ड्राई फ्रूट बचाएंगे, वो बाद में ऊपर से गार्निश करेंगे हम लोग। देखिए हमारा हलवा एकदम रेडी है। इतने ही गीले में आपको गैस बंद कर देना है, क्योंकि बाद में वैसे ही बहुत ड्राई हो जाता है। अभी हम लोग गैस बंद कर देंगे।
और इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं साईं बाबा के मंदिर में। यहाँ पे ही अपना प्रसाद चढ़ाएंगे। वो सब चीज़ मैंने ले लिया है जो जो बनाया था घर पे, और यहाँ पे चढ़ाएंगे। और यहाँ पे आरती में काफ़ी लोग आते हैं तो सब में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोगों को ये प्रसाद हमारा मिल पाता है, तो ये उद्यापन का मुझे सही तरीका लगा। और आरती के बाद सब लोग चले गए तो थोड़ा और अच्छे से दर्शन मिल पाया। और जो भी मेरे वो बर्तन थे जिसमें मैं सब प्रसाद लाई थी, वो उसके बाद लेके और दर्शन करके हम लोग वापस गए। कल यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा है, इसके लिए ज़्यादा तैयारियाँ हुई हैं मंदिर में। साईं बाबा का भंडारा हमेशा 29th of Jan को रहता है, तो आज 28th of Jan है, तो उसकी तैयारियाँ बहुत सारी हुई हैं। बाहर जो डेकोरेशन वगैरह आप देख रहे हैं, हर साल तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती थी यहाँ पे, लेकिन अभी इस बार देखते हैं कल कैसा रहता है। मुझे नहीं लगता इतने सारे लोग आएंगे। और अभी सब पूजा प्रसाद चढ़ा के दर्शन करके ये सब अपना सामान लेके हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर, और उसके बाद हम लोगों को आकर्ष के लिए कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था, तो हम लोग मार्केट भी आए थे। तो मार्केट से फिर सामान लेके हम लोग घर जाएंगे अभी। और आप लोग को मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आगे आने वाले वीडियोस भी इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे हम लोग के चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।